नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने शोले फिल्म देखी होगी तो उसमें मौसी का किरदार निभाने वाली लीला मिश्रा को आप जानते ही होंगे। आज हम आपको उनके गांव के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपने जीवन की शुरुआत की और कैसे स्ट्रगल कर कर वह बॉलीवुड में एक मुकाम बना पाई। 1 जनवरी 1908 को जैस नामक जगह पर पैदा हुई लीला मिश्रा आगरा की रहने वाली थी और 17 जनवरी 1988 को 80 वर्ष की उम्र में मुंबई महाराष्ट्र में उनका देहांत हुआ। 1936 से 1986 के बीच में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 1975 में आई फिल्म शोले से उन्हें बेहद प्रसिद्धि प्राप्त हुई। आपको बता दें कि उन्होंने रामप्रसाद मिश्रा से विवाह किया था, जो कि एक करेक्टर आर्टिस्ट थे और साइलेंट फिल्म में काम किया करते थे। आपको बता दें कि उनका विवाह बहुत कम उम्र में हो गया था और 17 वर्ष की उम्र में उनके 2 बेटियां भी थीं। इसके बाद वह मुंबई की ओर रुक कर गईं और आपको बता दें कि उनके नोटेबल काम की वजह से उन्हें काफी ख्याति प्राप्त हुई। पहली फिल्म थी चित्रलेखा, जो कि 1941 में आई। इसके बाद अनमोल घड़ी, ऐलान और न जाने कितनी फिल्मों में काम कर चुकी लीला मिश्रा को लोग बेहद ही पसंद करने लगे। आपको बता दें कि वह जिस गांव में रहा करती थी वह बेहद ही पिछड़ा हुआ गांव था और वहां से मुंबई तक का सफर कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत और जुझारूपन के चलते एक अच्छा मुकाम हासिल किया। ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं बॉलीवुड में जिन्होंने कई मुकाम हासिल किए हैं, जिनकी स्टोरीज हम आपके साथ शेयर करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।